नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 15 सितंबर के सुबह 9 बजे से जी दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से तीन ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है जिन्हें जानकर आपके होश उड़ेंगे। जी दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय बुधवार का दिन होगा और ज्योतिष शास्त्र में बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी का दिन है और भगवान श्री गणेश जी सुख और समृद्धि के कारक हैं। जहाँ भी इनकी कृपा रहती है उनके जीवन काल में हमेशा खुशहाली छाई रहती है। ये दोस्तों, और यह बुधवार का दिन आप सभी के लिए कई प्रकार की खुशियाँ लेकर आई है। जिया दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से यश में आपके जीवन काल से आर्थिक तंगियाँ खत्म होंगी। आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में जो भी नोक झोंक चल रही है दोस्तों, आपको बता दें कि ये सभी यश में अब समाप्त होने वाले हैं और भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां रहने वाली है। जी दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में समय और ग्रहों की ये स्थिति भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से बहुत ही लाभकारी रहने वाली है। ऐसे में दोस्तों आप मौके पे चौका मारना ना भूलें। जय दोस्तों, और ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए बागी चले होंगे, आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री गणेश जी लिखेगा, गुरु जी का भगवान श्री गणेश जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में आर्थिक स्थिति आपका बेहतर रहेगा। रुका हुआ या फिर उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलने से आपको बहुत अच्छा राहत प्राप्त होगा तथा दोस्तों अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकालने में आप इसमें सक्षम रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि किसी नजदीकी व्यक्ति के घर जाने का आमंत्रण भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसको प्राप्त दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पैसा आने के साथ साथ कुछ खर्चे भी तैयार रहेंगे। कभी कभी मन में निराशजनक या फिर नकारात्मक विचार भी आपके उत्पन्न हो सकते हैं। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध आपको मधुर बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों किसी छोटी सी बात पर भी बहस हो सकती है, तो दोस्तों यश में बहस करने से बचें और कोई भी अच्छा या फिर बड़ी बात करने से पहले यश में अपने वाणी पर संयम अवश्य रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें यश में अपनी किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से पहले एक बार पुनः उस पर सोच विचार अवश्य कर लें। दोस्तों मोबाइल तथा ईमेल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको यश में मिलने वाली है, दोस्तों उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। शादी दोस्तों कोर्ट के संबंधी मामलों में भी ये जो आपके लिए समय होंगे बहुत अधिक सावधानी रखने की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें कि अपने शुभ चिंतकों से इस प्रकार पर विचार विमर्श करने से उचित हल भी आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों घर के बड़े बुजुर्गों की उचित देखभाल करने की भी आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि हास प्रयास तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी आपका समय इसमें व्यतीत होने वाला है। इनसे दोस्तों आप स्वयं को हल्का फुल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। दोस्तों घर की जरूरत संबंधी कार्यों में भी आपका विशेष यह समय सहयोग रहेगा। बच्चों के साथ उनके क्रियाकलापों में रुचि जाहिर करना उनके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगा, तो दोस्तों ये कार्यों को जरूर करें आप। इसके बाद दोस्तों यश में घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तु के ना मिलने से कुछ चिंता भी रह सकती है, परंतु दोस्तों किसी पर इंजाम लगाने की अपेक्षा बेहतर होगी कि उसे ढूंढने का प्रयास करें। दोस्तों ग्रह स्थिति के अनुसार वस्तु आपके पास ही है। दोस्तों ऑफिस के कुछ कामों को भी यश में घर पर ही करना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें यशमय आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभा व फिर क्षमता को निखारने का मौका प्राप्त हो सकता है। दोस्तों घर में समाज में आपकी विशेष यशमय उपलब्धि को लेकर चर्चाएं रहेंगी, जिससे दोस्तों आपका मन में भी यशमय उमंग रहेगा। दोस्तों किसी महत्वपूर्ण यात्रा संबंधी योग भी बन रहे हैं। आपकी जो उपलब्धियाँ हैं उनकी वजह से लोगों में आपके प्रति जलन व फिर नकारात्मक परिवृत्ति उत्पन्न हो सकती है, परंतु दोस्तों सबको नज़रअंदाज करके अपनी कार्यशैली को व्यवस्थित रूप से संपन्न करते जाएं, आपको रुतबे में कोई कमी नहीं आएगी।
इश्कुभ्रांत दोस्तों, यश मगर आपकी व्यवसाय यानी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप ही उचित परिणाम भी हासिल होंगे, जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। दोस्तों, मीडिया संबंधित ऑनलाइन कार्यों से जुड़े व्यवसाय में भी फायदे में आप रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति भी कंप्यूटर वर्क करते समय सावधानी बरतें, कोई गलती होने की भी संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के व्यवसाय संबंधी पेपर्स को बहुत अधिक ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर वगैरह करें। दोस्तों, जरा सी लापरवाही से बहुत बड़ा जुर्माना या फिर हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को जो है मधुर बनाकर रखें, ये आपके करियर के लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यावसायिक गतिविधियों में सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों के सुझाव को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे दोस्तों आपको बेहतर निर्णय भी आसानी से प्राप्त होंगे। नौकरी में भी अपने काम के प्रति किसी पर भी किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए कोई जो है इंक्वायरी होने की आशंका लग रही है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यश में व्यवसाय में कुछ बेहतरीन उपलब्धियां अपनी परिस्थितियां बन रही है दोस्तों, परंतु उनका सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, यश में ध्यानपूर्वक अपने कार्यों पर अपने ध्यान को फोकस करके रखें। दोस्तों, यश में निवेश जैसी गतिविधियों में कार्य करने के लिए जो समय होंगे, उचित समय होगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए कोई शुभ सूचना मिलने से आपका मन इसमें प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, पारिवारिक जीवन में जो है किसी सदस्य के नकारात्मक व्यवहार की वजह से घर में तनाव सा थोड़ा सा माहौल भी रहेगा, परंतु परिस्थितियों को संभालने का दायित्व तो आपको ही निभाना इसमें पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों प्रयास आपको करते रहना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण यश में खुशनुमा रहेगा, परंतु विवाहतर संबंधों से दूर रहें, इनका नकारात्मक प्रभाव आपकी पारिवारिक सुख शांति को भी भंग कर सकता है, तो दोस्तों इनसे जरूर सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें दोस्तों, यश में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है, तथा पारिवारिक सहयोग से घर में उचित सामंजस्य बना रहेगा, आपसी संबंध भी यश में स्वादपूर्ण रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यश में आपसी व्यवस्था की वजह से जीवन साथी का घर में अनुशासन व फिर सामंजस्य बनाए रखने में पूरा सहयोग रहेगा, जिससे दोस्तों आप जो आपके आपसी संबंध और अधिक मधुर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यश में माइग्रेन व फिर सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है, गैस व फिर बादी वाली चीज़ों का सेवन करने से यश में परहेज करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, यह समय स्त्री जनित रोग परेशान कर सकता है आपको। इसके उपरांत दोस्तों, इसमें बता दें स्वास्थ्य अंत में ठीक हुआ, परंतु दोस्तों वर्तमान स्थिति की वजह से लापरवाही बरतना अभी आपके लिए उचित नहीं होगा, तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान जरूर रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए सुनोगे मानसिक व फिर शारीरिक थकान रहेगी, मेडिटेशन तथा योगा आपके लिए उत्तम समाधान होगा, तो इन पर जरूर ध्यान दें।